लेखक का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। बेस्ट सेलर मसाला चाय और शर्तें लागू लिखने में बहुत समय बाद तक दिव्य प्रकाश जी दुबे, कृपया तालियों से इनका स्वागत करिए। दिव्य प्रकाश दुबे जी को यही माना जाता था कि वे ठीक ठाक कहानियां लिख लेते हैं, लेकिन जब वे स्टोरी बाजी में कहानी सुनाते हैं तो लगता है कि वे ज्यादा अच्छी कहानियां सुनाते हैं लिखने से भी ज्यादा। टेडएक्स में बोलने गए तो टशन टशन में हिंदी में बोलकर चले आए। इनकी संडे वाली चिट्ठी बहुत पॉपुलर है। तमाम लिटरेचर फेस्टिवल्स, इंजीनियरिंग एवं एमबीए कॉलेज जाते हैं तो अपनी कहानी सुनाते सुनाते एक दो लोगों को लेखक बनने की बीमारी दे आते हैं। पढ़ाई लिखाई से बीटेक और एमबीए हैं। साल 2017 में एमबीए टाइप नौकरी को अलविदा कह चुके हैं। साल 2016 में छपे अपने उपन्यास मुसाफिर कैफे की बम्पर सफलता के बाद दिव्य प्रकाश नई वाली हिंदी के पोस्टर बॉय की तरह देखे जाने लगे। इनकी चौथी किताब अक्टूबर जंक्शन इस साल जनवरी में आई। आज हम इसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे और लेखक इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। आप लोग सब चाहें जिन्होंने इस किताब को देखा है, पढ़ा है या इसके बारे में कुछ भी जानते हो और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो लेखक आपके रूबरू हैं। ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो किताब लिखने का ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम कि जैसे ना जो बाकी लेखक लोग क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी काम है सब लिख के आते ना बड़ा इरिटेट हो जाता है उसके बाद। एक बार किताब में लिख दिया फिर उसका तब क्या उसके बारे में बात करें, जो लिखना था लिख दिया। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि अब क्या बताएं, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन जो इसकी वन लाइन है, जैसे ट्रेलर की तरीके से जैसे मैं शुरू की किताबों में भी करता था, तो जैसे हम सब लोगों की दो जिंदगियाँ होती हैं। एक जिंदगी जो हम डेली जी रहे होते हैं जो कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ होती है, और दूसरी वो कि जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि हम जो भी जिंदगी जी रहे हो, चाहे वो बादशाह अकबर की जिंदगी हो या किसी ठेले वाले की हो या मेरी हो या किसी ऑटो वाले की हो, हम सब लोगों को पता होता है कि आज अगर हम यहाँ पे दुकान बंद कर देंगे अपनी तो हमें जाना कहाँ है, वो हमारा शहर कौन सा जहाँ हम जाना चाहते हैं। बात यह होता है कि हम यहाँ वाली दुकान कभी बंद नहीं कर चाहते। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं किताब के, अक्टूबर मेंशन के सुदीप यादव करके लगता है जो जिसने 12th फेल है, जो 12th मतलब 12th पास, 12th के बाद उसने पढ़ाई नहीं करी। और आजकल बहुत सारा ऐसा हो गया कि 20-25 साल के लड़के करोड़पति हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही एक लड़के से मिला था, उसने बताया जैसे किसी के पास बहुत पैसा अगर हो जाए तो कोई कैसे बताएगा। तो उसने मेरे को बताया कि 26 साल का एक लड़का मेरे को मिला था जिसने अपनी पहली कंपनी 80 करोड़ रुपये में बेच दी और खाली हो गया। वो अमेरिका से इंडिया आ गया, चंडीगढ़ में गया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। उसको लगा यार मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है तो मैं गोल्फ रिप्रेजेंट करूँगा हिंदुस्तान का। तो चंडीगढ़ में जब मेंबरशिप लेने गया तो वहाँ पे पता चला कि 10 साल की वेटिंग है गोल्फ के, उसमें 25 लाख रुपये रिश्वत लग रही थी तो बंदे लिए जैगवार खरीदी थी, कार्ड स्वाइप करके खरीदी। तो उसने बताया मेरे को कि जब मैं इतना पैसा हो गया था एक टाइम अकाउंट में, जब कार्ड स्वाइप करता था तो बैलेंस हिलता नहीं था। अब ऐसा लड़का जैसे नॉर्मली हम लोग की जो कहानियाँ डील करती हैं, जैसे उसको एंड में कुछ चाहिए होता है किसी ना किसी कैरेक्टर को, चाहे वो एक ग्लास पानी चाहिए हो, चाहे वो राम जी को सीता चाहिए हो रावण से बचा के। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जिसको 25 साल में सब कुछ मिल गया तो करेगा फिर लाइफ कैसे आपकी बैंड बजाती है। तो एक कैरेक्टर ये है वर्सेज एक चित्रा पाठक करके कैरेक्टर है जो फेयरली एम्बिशियस है, फ्लॉड कैरेक्टर है। और जब हम लोग एम्बिशन को बुरा मान लेते हैं तो कई बार जैसे उसको पहले दिन से पता है कि उसको पेज 3 में आना है, उसको हर जगह छाना है। तो चित्रा पाठक करके एक राइटर है कैरेक्टर, और इनकी लाइफ इंटरप्रेट करती है केवल एक दिन साल भर में, 10 अक्टूबर 2010 से 10 अक्टूबर 2020 के बीच में। तो एक पूरी नॉवल में आप देखेंगे तो बहुत सारे जंप हैं, हर एक साल बाद एकदम से कहानी कट के अगले साल पहुंच जाती है, हर बार एक नए शहर और नया ताना बाना उसको बोला गया। तो मोटा मोटा अक्टूबर जंक्शन यही है। और अक्टूबर इसलिए मैंने भी चूज किया था कि अक्टूबर ऐसा महीना होता है जब गर्मियाँ खत्म हो चुकी होती हैं और अभी जाड़ा सही से आया नहीं होता है, तो एक माहौल में एक हल्का सी रोमानी होती है और सब कुछ होता है और एक बहुत सुहाना जो चल रहा होता है, तो वो अक्टूबर उस फीलिंग को पूरा करता है। तो इसलिए अक्टूबर जंक्शन का नाम।
तो ये मोटा मोटा इसका मैं ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा तो फिर कहानी बतानी पड़ जाएगी मेरे को, फिर वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा जो लोग पढ़ेंगे किताब के लिए। तो अगर आपको कोई वैसा सवाल है तो मैं उसके बारे में मतलब जैसे किताब से रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन कहानी में नहीं खोलना चाहता, फिर आप लोग अननेसेसरी उतनी मेहनत भी करेंगे किताब उठाएंगे भी और आपको पहले से ही पता हो तो वो सही नहीं है। सर कुछ अपने एकेडमिक्स के बारे में बताइए, कब आपने शुरुआत में बुक्स पढ़ना शुरू किया, कब लिखना शुरू किया? मैंने जो पहली किताब जो पढ़ी थी, किताब जो बैन हो गई थी हिंदुस्तान में, तो मेरे पिताजी चूंकि सरकारी नौकरी में थे, ब्यूरोक्रेट थे और गलती से पढ़ने में बहुत अच्छे थे, वो अपने टाइम पे वो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर थे 77 बैच में लॉ के, और जब कोई बहुत पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट का बेटा होता है तो वो एक चीज नहीं कर पाते, उनके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं इस दुनिया में, क्यों पढ़ने में कमजोर नहीं हो सकते, तो ये प्रेशर मेरे पे पूरी लाइफ में रहा कि हम पढ़ने में कमजोर नहीं हो सकते। उसका फायदा ये हुआ कि मेरे पिताजी ने तो पढ़ने के लिए बोला नहीं कभी मेरे को, लेकिन घर में चूंकि वो बहुत पढ़ते थे, सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके विवेकानंद से लेके प्रेमचंद से लेके मनोहर श्याम जोशी तक, तो वो सब कुछ सामने पढ़ा रहता था, और उधर मम्मी मेरी मनोरमा और कृष्णा वगैरह पढ़ती थी, तो मैं मनोरमा कृष्णा भी बहुत मन से वैसे ही मन से पढ़ता था जैसे अपने कोर्स की किताबें पढ़ता था, उसमें एक मन की उलझन वाला था, बहुत प्यार से पढ़ता था, मनोहर कहानियां भी मैं पढ़ता था, तो वो सारा कुछ पढ़ते तो रहता था चुपचाप, और चाहे वो तो सारा का सारा अंदर जाता गया, लेकिन फिर भी कभी नहीं हुआ। मैं समझता था जैसे जब मैं फोटो देखता था कई सारे राइटर्स की, चाहे वो स्वदेश दीपक की फोटो हो किताब के पीछे या फिर चाहे सुरेंद्र मोहन पाठक की गॉगल्स में फोटो, तो मुझे लगता था कि जो लोग सिगरेट सिगार वगैरह दुनिया में पी सकते हैं, चाहे वो रशियन राइटर्स की फोटो, केवल लेखक को अलाउड होता है कि सिगरेट और सिगार पी ले, तो मुझे लगता है बहुत बड़े लोग होते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं पहुंचा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अब जैसे नॉर्मली वही होता है कि एक भेड़ चाल में हम लोग आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं, वो किया मैंने, और आईआईटी में हुआ नहीं, ये कोई फेलियर मैं मानता नहीं, आईआईटी में वैसे नहीं होना अब नहीं मानता, तो उस समय लेकिन बड़ा खराब लगता था, दो साल तैयारी जो कहीं हुआ नहीं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तो एक बार प्ले करना था, और ज्ञान चतुर्वेदी जी की एक किताब थी दंगे में मर गया, तो उसमें एक ऐसे मैंने उठाया और उसको वैसे के वैसे, उसको इंस्पिरेशन भी नहीं कहेंगे, उसको चेतना ही कहेंगे, नकल करना कहेंगे, तो मैंने नकल करके अपने कॉलेज का प्ले बनाया। जब वो प्ले बनाया, और जो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि इतने सालों से किसी लड़के के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, तो जो कॉलेज में जो लिखना शुरू करते हैं लोग, तो जब लिख लेते हैं प्ले तो खुद ही उसमें एक्टिंग भी करते हैं, तो मैंने एक्टिंग भी करी उसमें। जब पहली बार वो प्ले रिकॉग्नाइज हुआ, 700-800 लोगों ने उसको अच्छे से रिसीव किया, तो फिर ये हुआ कि हाँ कुछ गुंजाइश है, मतलब लिखने में लोगों को अच्छा लग रहा है, सुनने में ऐसा हो रहा है कि हाँ कोई बात है इसमें। उसके बाद से कंटिन्यूअसली फिर प्ले लिखता रहा मैं। आप बैठ जाए मैम, आपका छूट गया, मैं रिपीट कर दूंगा सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोल दी, ऐसी बातें जो जिंदगी में बहुत काम आके रखी। आप बैठ जाए, तो ये सब हुआ ये, लेकिन अभी भी ना जैसे किताब लिखना अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, जो असली टर्निंग पॉइंट था किताब लिखने का, वो ऐसा हुआ कि जब मैं, क्योंकि मैं खराब जगह से मैंने बीटेक किया, लेकिन मैंने एमबीए बहुत अच्छी जगह से किया, जैसे वर्सेस का कॉलेज है एसआईबीएम पुणे, तो आवाज आ रही ना, तो वहाँ पे एसआईबीएम पुणे से मैंने किया, और वहाँ से मतलब जो सबसे अच्छी नौकरियाँ लग सकती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग और हाई फाई, मतलब हम लोग को जैसे जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमें बताया जाता था कि तुम लोग इस दुनिया में चुने हुए 200 लोग हो, तुम लोगों को पूरा बिजनेस वर्ल्ड समझना है, इस तरीके का फर्जी ज्ञान दिया जाता था। इसके बाद जब मैं पहुंचा तो मैंने एक एक आइडिया नाम की कंपनी है, तो उसमें मैं, आप लोग बहुत इरिटेट होते होंगे, दिन भर मैसेज आते हैं कि 15 रुपये का रिचार्ज कराए तो 25 पैसे की कॉल हो जाएगी और 30 पैसे की कॉल हो जाएगी। ये मैं फाइनली जब मैंने छोड़ा आइडिया, तो मैं आधे हिंदुस्तान के लिए बनाया करता, उसको बहुत फैंसी टर्म था, प्रोडक्ट मैनेजर मार्केटिंग बोलते हैं, जो बहुत लोग होना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरा मन कर गया। तो उसमें क्या हुआ, जब आइडिया का जो आखिरी फेज था मेरा, तो उसमें एक मेरे बॉस आए, एक सरदार जी थे, तो उन्होंने जैसे ना मेरे से पूछना शुरू किया कि यार तुम सुबह से शाम तक करते क्या हो। अब जैसे कोई भी आप काम करते हो तो बहुत बेइज्जती वाली बात है ना, उसमें भी आपने इतनी 200 किताबें दुनिया में पढ़ रखी हो, 2-400 किताबें, कि आप सुबह से शाम तक, तो मेरे से एक्सेल शीट में भरवाते थे कि बताओ 10 बजे आए तो 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया। तो मुझे लगा कि ये मेरा सेंस ऑफ बीइंग जो है, और चूंकि मैं गलती से बनारस में पैदा वैदा हुआ, तो मुझे जो बहुत लाइफ के बेसिक सवाल होते हैं, हम लोग पैदा ही क्यों हुए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये मेरे को शुरू से ही बड़ा परेशान करते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो मेरा सेंस ऑफ बीइंग ही चला गया है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इस फ्रस्ट्रेशन में कहानियाँ वीकेंड पे लिखता था, और मंडे को मेरे दोस्त जो हम लोग बहुत देर तक ऑफिस में बैठते थे, मैं उनको सुनाता था। इसीलिए शुरुआती
13-14 हफ्ते तक उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने अंदर से जो जो कहानियां, जो कहानियां भी क्या थी, वो किससे थे, जैसे कहीं पे किसी का नाम चेंज कर दिया किसी भैया का, और वो उसमें सारे वो कैरेक्टर्स थे जो हमारी सोसाइटी के हीरो नहीं थे, जैसे कि जो हमारे बाल काटते हैं जो मन में था वो थे, हम लोग के हर मोहल्ले में एक भैया होते हैं किट्टी भैया जैसे, जो जिनका कहीं पे कोई जुगाड़ हो या ना हो लेकिन आपसे हमेशा ऐसा बोलते हैं, अरे टेंशन मत लो हम बात कर लेंगे हो जाएगा, मतलब हमारे मोहल्ले में तो ऐसे भैया भी थे, वो मेरा आई एम लखनऊ में एडमिशन करा रहे थे जुगाड़ से। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, लेकिन कई बार आपको पीठ पे बहुत चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, तो वो ऐसे कैरेक्टर, और वो रोज शराब वराब पीते थे, मतलब साल भर के नवरात्रे छोड़ के साल भर पीते भी थे, तो एज सच पूरे मतलब उस मोहल्ले के लिए, जैसे वो पूरी जो गली थी वो किट्टी भैया की गली होती थी, बट फिर भी कोई अपने बेटे को किट्टी भैया की तरह नहीं बनाना चाहता। तो ये पूरे ऐसे ना, ऐसे मतलब 12-13 कैरेक्टर्स थे, ऐसे एक पांडे अंकल थे, मतलब जैसे जो जिनको चाहे वो तेरे ही में खा रहे हो चाहे किसी की शादी में खा रहे हो, तो एक ही मन से खाते थे, खाने की बुराई वैसे ही करते थे, अगर नमक कम है या ज्यादा है चाहे वो, ये नहीं देखते थे कि तेरे ही की शादी, तो ऐसे होते हैं लोग अपना। और तो वो सारे लोग जिनको सोसाइटी हीरो नहीं मानती, तो उनको मैंने कोशिश की कि वो मेरी तरह, जैसे मैं भी अपने आप को हीरो नहीं मानता था, तो उनको मैं हीरो, इस प्रोसेस में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ऐसा तो टाइम पास है, फिर मैं वहां से बॉम्बे शिफ्ट हो गया वो छोड़ छाड़ के, और फिर किताब आई, किताब ठीक ठाक चली, फिर दूसरी की हिम्मत हुई, फिर तीसरे की, और फिर जब पहला कदम हो जाता है तो फिर दूसरा तीसरा कदम चौथा कदम आसान होता जाता है। आपकी मसाला चाय तो पड़ी नहीं है मार्केट, अभी नहीं पड़ी है, तो हम सारी बुक्स भी कहीं ना कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ हमारा ऐसा पर्सनल, मेरे साथ मेरी दीदी बैठी है, तो वाइस क्योंकि आपने मसाला चाय पड़ी है, सो मेरी नॉन बुक यस आई एम सम, सो उनका ये आइडिया है कि यू रोट लाइक कबीर और समथिंग, वो कहीं से घुसता है आपके अंदर उसकी लिखावट में कुछ, वो तर्जुमा या वो चीज़, एक चीज़ और दो चीज़ों का एक साथ जवाब दीजिएगा फिर। आपने एक नौकरी छोड़ दी है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा, अब परफेक्शन तो सब में नहीं होता, फोकस कभी आता नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिव जॉब है मेरा भी, सो आपने कहा मेरा जॉब छोड़ दिया एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपने एमबीए भी किया, आपने इंजीनियरिंग भी किया, मैंने ये सब नहीं किया, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने सिंपली पढ़ाई करी और एक ऐसा काम किया जिससे मुझे लगा कि यार एक नौकरी लग जाए, क्योंकि जिस क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता था वहां पर दूर दूर तक मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन वो चीज करने के बाद मुझे कुछ छोटी मोटी नौकरी मिल गई, मैंने नौकरी स्टार्ट करी और फिर बस उसी मौके की तलाश में था कि कब वो मिलेगा और मैं घुसूंगा, फिर वो हो गया अपनी छोटी सिटी के हिसाब से ही हुआ। बट नौकरी छोड़ देने से क्या घर चलता है और सिर्फ लेखक बनने से क्या आज आप घर चला पाते हैं, ये दो सवाल मेरे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात मुझे कह दी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया बस। आई रियली डोंट नो, मुझे कोई बोले, बिकॉज आई एम अ रेडियो जॉकी, अगर मुझे कल कोई बोलेगा कि यार ये फैक्ट है, ये सारे लोग जानते हैं, अगर मुझे कोई बोल देगा, बिकॉज इससे पहले 10 साल पहले मैं टीचर था, टीचिंग किया करता था, वो मेरा प्रोफेशन था, मैथ्स पढ़ाता था और बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाता था, और वो इसलिए अच्छा पढ़ाता था क्योंकि मेरे टीचर मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते थे, सारी क्लास वाली गालियां देते थे, तो मुझे लगता था कि मैं जब टीचर बनूंगा ना तो ऐसा पढ़ूंगा कि अगर मैं क्लास में रन करूंगा तो दूर से कहीं भी बच्चा होगा ना भागता हुआ आएगा, तो दैट्स आई डिड, बट मुझे जाना कहीं और था क्रिएटिव फील्ड में, मैं गया, लेकिन मैं नौकरी छोड़ करके मैं क्रिएटिव कैसे काम करूंगा जब मेरे पास कुछ काम ही नहीं होगा, सो ये एक सवाल मेरे मन में अभी भी आता है। कई बार आप लिखते हैं, क्या करते हैं आप उसमें? नो, बेसिकली मैं लिखता नहीं हूँ, मैं 20 बार दिन में रेडियो पर बोलता हूँ 4 घंटे में, और अगर मैं 20 बार बोलता हूँ तो मुझे लिखना ही पड़ता है, आप ऐसे माइक को फेडर ऑन करके बोलना नहीं शुरू करते, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो बट आप रेडियो में ही करना चाहते हो ना, मैं तो अमिताभ बच्चन बनना चाहता था, बट वहां तक जाने का कोई तो सर सही बात है, लेकिन उससे पहले भी मैं माइकल जैक्सन बनना चाहता था, माइकल जैक्सन को देखता था छोटा सा, 90s का हमारा एरा था और बच्चन साहब के तो हर कोई दीवाना है, तो उससे पहले मैं माइकल जैक्सन बनना चाहता था किसी के नाम से। ऐसा की कहानी है मेरे पास, लेकिन अब पता नहीं वो कैसे मैं सुना पाऊंगा इसको। तो ये है ना कि क्या राइटर बनके जिंदगी जी जा सकती है, सवाल इसी नहीं है, सवाल आपका जवाब जो है ना इस सवाल का बहुत आसान है, इसमें राइटर बनके जो जिंदगी चलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि 2019 से बेहतर कोई समय है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे किताब आप जब खोलेंगे तो इस किताब में जब पहला पन्ना आप खोलेंगे तो उसमें एक
आखिरी पन्ने उसमें एक ऐप का एड है ना, वो एक स्टोरी टेल करके ऐप है ना। आप ये सोचिए ना कि रॉयल्टी का बहुत बाद की चीज है, जब वो आएगी तब आएगी। अब किताब आने से पहले कम से कम हिंदी में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो एक नई वाली हिंदी, जैसे कुछ लोग उसको फ्रॉड भी मानते हैं और मैं खुद भी उसको ये मानता हूँ कि अभी बहुत उसको अभी आगे जाना है और बहुत कुछ अभी लिखना बाकी है उसमें। आप उसमें देखेंगे तो हम लोग को ना धीरे धीरे, जैसे उसमें दो ऐप के बुक में प्रमोशन है जी। तो आप बहुत सारा पैसा जो है वो आप बुक आने से पहले, चाहे एक भी कॉपी ना बिके तो भी आप पा चुके हैं, क्योंकि अभी पहले की छुट्टी है। एक चीज बुक तो जो सर पैसा जो उसका रॉयल्टी है वो मिनिमम है पैसा, है ना। जो रॉयल्टी आपके पैसे, हम लोग की किताबें जो सारी की सारी जो जिस रेंज में, चाहे वो मसाला चाहे मुसाफिर करते हो, वो 15-20 हजार के रेंज में बिकती है। बट फिर भी सब जोड़ के भी वो 1 लाख नहीं है, है ना। एक और एक पे हम रॉयल्टी मान लेते हैं 10-15 रुपए आती है, 10-15% रॉयल्टी होती है। तो वो पैसा बहुत मेजर नहीं है। पैसा कहाँ से आता है बता रहा हूँ, इसके ऑडियो राइट सब बिकने लगे हैं, इसका बिक चुका है ऑडियो राइट। अभी अमेजोन ऑडिबल हिंदी में लॉन्च कर रहा है, आप बोलने वाले मीडियम है, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको बोलने की जरूरत है। स्टोरी टेल जो ऐप है उस पर बहुत सारा बोल के अपनी कहानी दूसरे की कहानी वहाँ पे आप कमा सकते हैं। दूसरे इसके बियॉन्ड जैसे ऑडिबल लॉन्च कर रहा है, वो ओरिजिनल कॉन्टेंट ढूंढ रहे हैं हिंदी में। अमेजोन पे आप जैसे किताब खरीदते हैं, ऑडिबल में वो शुरू में फ्री में लॉन्च करेंगे, जिसके लिए बहुत सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा। दूसरे इसके अलावा जो किताबों के राइट्स, सब लोग जो क्या है ना, बॉम्बे में जो बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हैं, बहुत सारे लोग अब ढूंढ रहे हैं कि उनको नई नई कहानी, आपने पता नहीं मिर्जापुर देखा है कि नहीं देखा है, या जो बहुत सारी सीरीज है, इनफैक्ट अभी जो आई है जोया अख्तर ने परसों रसो अभी लॉन्च, पिछले हफ्ते लॉन्च हुई है वो सीरीज में। और आपको बता दो, जियो करके जो मोबाइल कंपनी है, जियो का 2020 में टारगेट ये है कि हर शुक्रवार को वो एक नई सीरीज, नया सीरियल, नया फिल्म लॉन्च करेंगे 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके। मोटा अभी प्राइस उनका डिसाइड नहीं है। तो इतना कंटेंट के लिए सर बॉम्बे में जो राइटर्स हैं वो सफिशिएंट ही नहीं है, उसके लिए उनको स्मॉल टाउन और उसमें जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मतलब ये सबसे अच्छा टाइम है। और मतलब वहाँ पे आप टीवी की जो एवरेज से एवरेज राइटर मैं बताता हूँ, मुंबई में ऐसा कहते हैं, जो कि मैं बहुत सारा कहानियाँ सुनता भी हूँ टीवी के लिए, आगे वो बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसमें टीवी का जो एवरेज से एवरेज राइटर है वो ऐसा बोलते हैं कि जो बॉम्बे में जो टीवी राइटर होता है ना, वो घर नहीं खरीदता, वो फ्लोर खरीदता है, है ना। आपको पर एपिसोड जो वहाँ पे बिलिंग होती है, मैं आपको बता दूँ, आप देखिए कोई भी आप जो सीरियल फॉलो करते हो टीवी पे, उसमें स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग 3 क्रेडिट आते हैं, है ना। ये तीनों का जो मिनिमम बजट भी होता है घटिया से घटिया सीरियल का, मतलब घटिया से घटिया इसकी रेटिंग नहीं आ रही, उसका भी मिनिमम बजट 75,000 होता है, 70,000 होता है, उसके 3 हिस्से कर लीजिए 25-25-25, और जो अच्छा होता है वो 2 लाख तक जाता है, है ना। और आपको महीने में 20 एपिसोड राइटर लिख नहीं पाते, अपने नीचे 5-5 राइटर लगते हैं हमको, क्योंकि कंटेंट देखिए ना 24 घंटे का हुई है दुनिया। ओरिजिनल कंटेंट रोज हर एक चैनल पे 6-6-4-4 घंटे का है। आपको बस ये कि आपको डायरेक्शन करेक्ट हो। आपको जैसे मेरे को बाई चॉइस टीवी नहीं लिखना था कभी भी, भले उसमें पैसा है या जो भी है, मेरे को लिमिटेड ही लिखना था। तो आप लिमिटेड लिखने में आप उसको फिर फिल्म की तरीके से बेचे या सीरीज, तो वो पूरी दुनिया खुल गई है अभी। मतलब हम लोगों को बड़े से बड़ा प्रोडक्शन हाउस कॉन्टैक्ट कर रहा है कि और लाओ, हमारे पास अब है नहीं चीजें देने का, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है। तो अब किताब जो है ना, कि आप किताब लिख के गवा लेंगे तो किताब से डायरेक्टली रॉयल्टी से कभी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे अगले 25 साल में भी। शायद वो हार्डली 2 राइटर से ज्यादा अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी में हिंदी से भी पूरी आदत है। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किताब लिखेंगे और आप कन्विंस्ड हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको जो सवाल था ना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि जब मैं नौकरी मैंने 8 साल करी आइडिया में, और ना मैं जब मेरा वीकेंड फ्री होता था सैटरडे संडे, तो मैं जब सोच तो साल भर में जब वीकेंड जोड़ता था तो 102 दिन होते हैं, 102 दिन मतलब कि 3 महीने से ज्यादा। तो जब मैं फ्राइडे को अपने आप को शट ऑफ कर रहा था ऑफिस से, तो मैं अपने आप को वहीं से शुरू करता था जैसे मैं पिछले हफ्ते जहाँ मैंने छोड़ा था। तो मैं जो 102 दिन है ना, उनको मैं ऐसे नहीं मानता था कि 2-2 दिन करके आ रहे हैं, मैं दिमाग में ऐसा मैंने मशीन की तरीके से अपने आप को बना लिया था कि वो 102 दिन एक कंटिन्यूस पीस है। अगर आप 102 दिन को एक कंटिन्यूस पीस की तरह देखेंगे तो मुझे लगता है नॉवल लिखने में भी 30-35 सेटिंग से ज्यादा लगता है। मैं हर बार फॉलो करता हूँ, आपको एक मेथड बताता हूँ लिखने उसका। जैसे मैं अक्टूबर जंक्शन, आज तारीख है मान लीजिए 14 है ना या 15, तो मैं 15 मार्च 2019 की डेट डालूंगा, आज मैंने लिखा, उसके बाद मैंने हो सकता है 10 दिन बाद लिखा, तो मैं उसी वर्ड फाइल को कॉपी करके नई फाइल बनाऊंगा और उसमें 26 मार्च की डेट डालूंगा। तो जब मैं अगली बार फोल्डर खोलता हूँ तो मेरे पे प्रेशर रहता है, तो मैं 12 दिन से नहीं लिखा है ना। और उसके बाद मुझे पूरी जर्नी पता होती थी कि जब मैं बैठा तो मैंने कितने वर्ड्स लिखे, तो मेरी वो जर्नी अपने, तो वो ना मैंने मेथड अपने आप ईजाद किया। लेकिन आपका मेथड आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइकल जैक्सन अमिताभ बच्चन दोनों बनना है, तो आपका रास्ता और मुश्किल होगा। आपने आइडिया में
नहीं सर इंजीनियर नहीं, मैंने मैं आइडिया इंजीनियरिंग की मैंने सर नौकरी करनी नहीं थी। मैं सर आप मानेंगे नहीं, मैं वहाँ पे एजीएम था, मतलब बड़ा बुरा एग्जांपल हूँ मैं। हाँ जिस भी स्थिति में थे, आइडिया तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीज थी ना। हाँ आइडिया तो कंप्यूटर से रिलेटेड, आइडिया तो कंप्यूटर इंजीनियर। आपने लेखक मन से उसके उद्गार निकलते हैं, आपने इस लेखन को अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए आईडिया की नौकरी छोड़ी, बॉम्बे जाके प्रोफेशन आपने एनालिसिस किया कि इस प्रोफेशन से वो प्रोफेशन ज्यादा ठीक है, कि मैं अगर वहां जाके इनके लिए लिखूंगा तो मेरा एक अच्छा प्रोफेशन होगा। तो आपका आपका एक जो लेखन है ये उस प्रोफेशन से रिलेटेड है या आपके मन के उद्गार है? क्या होता है जैसे बहुत सारा आपका जैसे अजमेर वगैरह में एमबीए चलता है क्या यहाँ पे? हाँ। एमबीए चलता है, वो बताते हैं नीचे दो मेंबर बनाओ और इस तरीके से हो जाएगा ऐसा करके, ये धंधे हर जगह चलते हैं। जैसे मैंने क्या किया ना कि अल्टरनेट इनकम जो थी ना लिखने से, मैंने ऐसे नहीं जैसे, चूंकि ज्यादा पढ़ने लिखने का नुकसान क्या है आदमी के ना कि वो बड़े डिसीजन नहीं ले पाता, वो टालते रहता है, ज्यादा लॉजिक में चला जाता है। जैसे हिंदी में लिखना, मैंने एसआईबीएम से एमबीए किया, अगर मैं लॉजिक के हिसाब से ज्यादा मुझे हिंदी में किताबें भी लिखनी चाहिए क्योंकि मेरे को प्रोफाइल के हिसाब से तब भी एडवांस राइटिंग मिल जाती 2009 में, लेकिन इमोशन था ना, हमें लगता था कि नहीं एक टाइम पे थोड़े बच्चे लोग हिंदी पढ़ने लगेंगे, हम लोग पढ़वाने लगेंगे। तो वो जो सर आपका वो है ना कि जो लॉजिक है ना, एक लॉजिक के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है आपको पता रहता है ना अंदर आपको, हम सबको जैसे वही वाली बात है, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है ना तो एक रुपए का सिक्का उछाल देना चाहिए, वो वैसा ही है। मेरे पास मेरी बहन बैठी है, मैं इनको बचपन से लिखना देखा और इन्होंने हमेशा अपने मन के उद्देश्य से लिखे, तो तब पैसा नहीं था ना जब मैं लिख रहा था, तो मैं मन से ही तो लिख रहा था ना, और मन मोटिवेशन तो अभी भी सर वही है, पैसा तो मैं अभी बता रहा हूँ, पैसा ऑफशूट ही है उसका, मतलब जैसे अभी भी इसलिए मैं अभी भी नहीं लिखता, अभी मैं स्क्रीन प्ले इसीलिए नहीं लिखता चाहे मेरे को, और मैं आपको बता रहा हूँ इस देश के सबसे बड़े डायरेक्टर तक से मेरी बात हो चुकी है, जो सबसे बड़े आप नाम जानते हो, बट कभी मैं वो कर ही नहीं पाता, जब बोलते हैं इस पे बना के दे दो मेरे से होता नहीं, मैं वही कर पाता हूँ उसी सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मतलब आप बेचने के लिए लिखते हो या लिखने के लिए लिखते हो या पाठकों के लिए लिखते हो? ये भी था मेरे शब्दों का सही प्रेजेंटेशन ये हो सकता है। नहीं मैं सर आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे बेस्ट सेलर वगैरह तो अभी हो गई किताबें और ये सब लिखने लगी, और मुझे मालूम है कि अगली किताब मैं कचरा भी लिखूंगा तो भी वो 15,000 कॉपी बिक जाएगी, 20,000 बिक जाएगी, मेरे को खूब अच्छे से पता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है सर इस पूरे उसमें ना, कि जब मैं लिखता हूँ ना तो मैं ये सब कुछ सोचता ही नहीं किसका होगा, मेरे दिमाग में रहता है कि पहला ड्राफ्ट इसका कम्प्लीट हो जाए, सारी एनर्जी सारा थॉट पर, तो मैं एक टाइम बना लेता हूँ कि एक बार जब वो खत्म होगा, पता चला मैंने 30 जून की डेट बना रखी है कि ये चीज खत्म हो जाए, है ना, उस 30 जून की डेट के बाद पाठक और दुनिया और डायरेक्टर आते हैं, है ना। पहले और मैं एक चीज और आपको बताऊं, जितने दिन मैं लिख रहा होता हूं तो मार्केटिंग का नहीं सोचता, और जिस दिन किताब खत्म हो जाती है फाइनल ड्राफ्ट उस दिन के बाद मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं सोचता, है ना, तो वो मेरे को बिल्कुल क्लियर कट है। तो जैसे पाठकों के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में आके बैक ऑफ द माइंड रहता तो है, लेकिन पहला पाठक तो मैं ही होता हूँ ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं उसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरा आपसे सवाल आपके जीवन से संबंधित है जो आपने मुझे सुनाया है। जीवन सब झूठ बोला है आप, मैं राइटर देखे, मैं एक और असली बात बता दूं, लेखक कभी कोई सच नहीं बताता, और कोई लेखक क्यों बनता है ना, कभी कोई उसका सही रीजन नहीं बताता। आप ये कैसे समझ रहे हैं कि आपने जो कहा हम लोग सब सही समझ रहे हैं? यही बात है, आप जो सही समझ रहे हो आपको तो खैर, आप सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते रहे हैं, और हर मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी अपने बच्चों के प्रति एक खास ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा ये बने, आपके पेरेंट्स की भी एक ख्वाहिश रही होगी और उसी के हिसाब से आपकी एजुकेशन हुई होगी, उन्होंने भी एक सपना पाला होगा, लेकिन जब उसके बाद में वो क्या चाहते थे कि आप क्या बने, आप जब ये बने, आपने बनने का तय किया, आपने जब उनको अपना डिसीजन बताया,
तो एक तो मैं जानना चाहता हूँ उनके ऊपर क्या उनका क्या रिएक्शन था, और दूसरा ये कि अब आप जिस मुकाम पर हैं उसके बाद उनका क्या रिएक्शन। मेरे केस में ना मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, मेरे पड़ोसी थोड़े दिक्कत वाले थे तो मुझे घर से कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मेरे पिताजी जो कि फिलोसफीज के टॉपर ऑफर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनका दिमाग खुला हुआ, मतलब 77 में ही वो सब जो हम लोग बाद में सीखे वो सब कर चुके थे। तो इस मामले में बिल्कुल एक बार भी, मैंने बताया ना इंजीनियरिंग का फॉर्म मैं लेने गया, उन्होंने बोला भी नहीं कभी अच्छी बातों की, उन्होंने कभी आज तक भी उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि तुम ये हो जाओ या वो कर लो। बस हाँ एक चीज हमेशा मुझे लगता है कि जैसे एक वो हमेशा एक कविता हम लोगों को सुनाई जाती रही कि जो भी करना, जैसे कि कविता थे ना कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार का से धरा कृतार्थ भाव मानती, आहा वही उदार है परोपकार वो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, वो गुप्त की शायद। तो ये हम लोग बार बार हटाया जाता रहा, बार बार कि जो भी करो मतलब वो आसपास को भी वो चीजें हो। बहुत ही ग्लोबल बात थी, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने, जबकि वो सबसे नेचुरल सपना जो मेरे पिताजी देख सकते थे कि वो सब यूपीएससी की तैयारी करवा देते मेरे को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को। मतलब इस मामले में पता नहीं क्यों मुझे, इस मामले में लकी रहा मैं कि उन्होंने नहीं बोला, बोले होते तो शायद दिल्ली में तैयारी व्यारी करने गया होता मैं। तो अच्छा, और ऐसे डिसीजन से अभी भी कोई उनको दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें इस मामले में थोड़ा सा मैं लकी रहा, बोला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य प्रकाश जी और प्रमिला सिंह जी। मैं अभी धीरज माथुर जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आके दिव्य प्रकाश दुबे जी और प्रमिला जी को हमारी तरफ से मोमेंटो प्रदान करें। धीरज जी थोड़ा सा स्टे देना, सही कुछ हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। प्रभा खेतान फाउंडेशन एवं वीकेयर की ओर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स को और कलम के सहभागी एहसास उमेर ऑफ अजमेर को, और आप सभी को अजमेर वासियों को कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे कलम इवेंट के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए किताब अवेलेबल है।